वेलकम बैक टू माय चैनल फ्राइंग पैन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू टिक्की चाट। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कुकर में 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ऑयल लेने के बाद हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। अब 1 चम्मच राई डाल देंगे। हमारा जीरा और राई अच्छी तरह चटक चुका है। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी मसाले ले सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले पक चुके हैं। इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 5 से 10 मिनट पकने देंगे। टमाटर अच्छी तरह पक चुके हैं। अब हम इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने जो रात में मटर भिगो के रखे थे अब हम इसमें मटर डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें मैंने 1 लोटा पानी डाला है। आप चाहे आपके हिसाब से भी डाल सकते हो। अब हम यहाँ कुकर बंद कर देंगे। हमें 4 से 5 सीटी आते तक इसे पकाना है। यहाँ हमारे मटर अच्छी तरह पक चुके हैं। इसे हम थोड़ा दबा दबा के लेंगे ताकि थोड़े से ये गाढ़े हो जाए। अब हरी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जार लेंगे। उसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे, धनिया डालेंगे, लहसुन की कुछ कलियाँ डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, काला नमक डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा, और जीरा डालेंगे और इसे पीस लेंगे। हमारी हरी चटनी बनके एकदम तैयार है। अब हम यहाँ खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए जो हमने इमली भिगो के रखी थी वो ले लेंगे। इमली को एक छन्नी पर डाल के इसका पल्प निकाल लेंगे चम्मच की मदद से। इसे कुछ इस तरह से दबाएंगे तो ये आराम से अपना पल्प निकल जाएगा। ये इतना पल्प मेरा इमली का निकला है। इसे मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें मैं कम से कम आधे से भी ज़्यादा गुड़ डाल रही हूँ ताकि हमारी चटनी एकदम खट्टी मीठी बने। गुड़ डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा गुड़ अच्छे से घुल चुका है इसमें। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। 1 चम्मच काला नमक डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे हमारी चटनी चटपटी सी और खट्टी मीठी सी लगेगी। ये देखिए हमारी चटनी एकदम पक चुकी है। ये गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम टिक्की बनाने के लिए जो हमने आलू उबाल के रखे थे हम वो ले लेंगे। उन्हें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें मैं 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने इसका एक डो बना के रख लिया है। अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। देखिए हमने कितनी गोल गोल टिक्कियाँ बनाई हैं। अब हम एक तवा लेंगे। अब हम एक तवा लेंगे, उस पर ऑयल डालेंगे और इस पर हमारी सारी बनाई हुई टिक्कियाँ रख देंगे। इन्हें हमें पहले कम आंच पे पकानी है, फिर फ्लेम बढ़ा देनी है। अब यहाँ हम अच्छे से आलू टिक्की सेक लेंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने से टिक्की चिपकती नहीं है तवे पे। देखिए हमारी टिक्की अच्छे से सिकने लगी है। इन्हें हम अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई होते तक सेक लेंगे।
इन्हें मैं अच्छी तरह पलट दूंगी। अब ये दूसरे साइड से सिकने के लिए तैयार हैं। जो हमारे टिक्की सिकते जाएगी उसके हम साइड करते जाएंगे और जो नहीं सिकेगी उसे बीच में करते जाएंगे। ये देखिए हमारी आलू टिक्की अच्छे से सिक चुकी है। यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं दो टिक्कियाँ ले रही हूँ। इसमें मैंने जो चने मटर बनाए थे वो डालेंगे, इसके ऊपर हम दही डालेंगे। दही डालने के बाद इसमें हम ग्रीन चटनी डालेंगे, इसके ऊपर हम खट्टी मीठी चटनी डालेंगे, इसके हम बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई टमाटर डालेंगे, सेव डालेंगे और बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और हमारी चाट बनके एकदम तैयार है। लग रही है ना खाने में एकदम टेस्टी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।